हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ़ इनकम एंड कैपिटल गेन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तभी समझ पाएंगे जब हमें ये पता हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं और हमें उन्हें जानना इसलिए जरूरी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है वो गेंस तभी डिस्टिंग्विश हो पाएंगे जब हमें पता हो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है तो आइए देखते हैं एज पर सेक्शन टू टू ए सेक्शन

तीन साल तक उससे ज्यादा नहीं अगर उससे ज्यादा रखी रही तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी तीन साल मतलब कि थर्टी सिक्स मंथ एक एसएससी के पास हेल्ड रही है होल्डेड मतलब उसने होल्ड करके रखा है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर उसको बेचने से पहले मान लीजिए डेढ़ साल रखा दो साल रखा पौने तीन साल रखा तीन साल रखा सो तब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी कैपिटल एसेट होती है एज पर सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन ए सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए वो कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो हमने पाया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो है जो कि किसी एसएससी के पास तीन साल से ज़्यादा नहीं रही है उसको बेचने से पहले तीन साल से कम समय तक वो कैपिटल एसेट का मालिक था तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो कैपिटल एसेट है जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है मतलब कि जो किसी एसएससी के पास 36 मंथ से मतलब कि तीन साल से ज़्यादा रही है लेकिन ये 36 मंथ्स के रूल की कुछ एक्सेप्शन्स है तो आइए कंसिडर करते हैं वो कौन से एक्सेप्शन हैं नंबर वन हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी अदर देन यूनिट हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरी सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ का मतलब है डिबेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये वो सिक्योरिटी जो कि रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या हम बात कर रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो कि इक्विटी शेयर ओरिएंटेड है इक्विटी ओरिएंटेड फ़ंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की के uh, फ़ंड की यूनिट की, की हम बात कर रहे हैं या हम जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें हैं अगर ये कैपिटल एसेट किसी एस के पास है तो शॉर्ट टर्म के लाने के लिए उस एस को उन एसेट्स को 12 महीने से कम ही अपने पास रखना होगा फिर बेच देना होगा नहीं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी अगर उसने 12 महीने से ज़्यादा इन तीनों को अपने पास रखा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएंगी तो इन तीनों के लिए 36 मंथ्स का मतलब कि तीन साल का रूल नहीं बल्कि वन ईयर दैट इज ट्वेल्व मंथ्स का रूल फॉलो किया जाता है तो ये कौन सी तीन चीज़ें हैं एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि रिकोग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इक्विटी ऑरिएटेड फंड की यूनिट्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फंड की यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है आइए एक बार देखते हैं वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसका बारे में हल्का सा जिक्र किया था एक ऐसा बॉन्ड दैट इज़ बीइंग इशूड बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी शेड्यूल बैंक ऑन और आफ्टर फर्स्ट जून 2005 थाउजेंड फाइव कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई शेड्यूल बैंक एक जून 2005 के बाद इशू किया है इस बॉन्ड को किस लिए किया है ये इस बॉन्ड पर किसी भी किस्म की कोई पेमेंट या बेनिफिट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड नहीं मिलती है जो भी पैसा मिलेगा वो मेचोरिटी या रिडम्शन के टाइम पर ही मिलेगा सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बॉन्ड कोई भी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट नो बेनिफिट इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मेच्योरिटी उसकी मेच्योरिटी के टाइम आने से पहले बाकी जो हमारे पास शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं उन पे तो हमें ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलता रहता है तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट ड्यूरिंग द बिफोर मेच्योरिटी नहीं मिलता है जो भी मिलेगा मेचोरिटी या रिडम्पशन के टाइम मिलेगा और किसी भी बॉन्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट आपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके बता सकती है कि ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा सो द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड नॉट बीइंग ए हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अगर किसी किसी इन्वेस्टर कंपनी ने स्टॉक की तरह इस बॉन्ड को अपने पास नहीं रखा हुआ है उस सिचुएशन की हम बात करें स्टॉक नहीं होना चाहिए ये एक नॉर्मल किसी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर कोई ज़ीरो कूपन बॉन्ड से कोई इनकम रिसीव करता है वो कैपिटल गेन माना जाएगा और जीरो कूपन बॉन्ड का जब रिडम्शन का टाइम आता है तो माना जाता है कि हमारे ओनर से कंपनी की तरफ ही ट्रांसफर हो रहा है और इससे निकलने वाले पैसे फ़ायदे को कैपिटल गेन ही कहते हैं सो सेक्शन टू फोर्टी सेवन दैट मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड शेल एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन टैक्स जब इस बॉन्ड की मेचोरिटी का वक्त आ जाता है तो उस टाइम पीरियड को उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ट्रांसफर कहा जाता है वो बॉन्ड मूव कर रहा है फ्रॉम द ओनर टू द कंपनी बैक और हम इसे कैपिटल गेन मानते हैं और कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा सो जीरो कूपन बॉन्ड के लिए क्या रूल है कि बारह महीने से कम रखा अपने पास एस एस सी ने तो शॉर्ट टर्म है बारह महीने से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म है बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की एस शेयर्स जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर की लैंड बिल्डिंग या दोनों अगर हम इनकी बात करें इन दोनों चीजों की बात करें हैं तो अगर एक एसएससी ने अपने पास इन दोनों चीजों को 24 मंथ्स तक रखा है मतलब कि दो साल तक रखा है तो वो शॉर्ट टर्म है 2 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म है देन बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन की जो हमारी आम सिचुएशन है जिसके लिए तो हमने थर्टी सिक्स मंथ्स का रूल बताया ही है अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड फ़ंड की नहीं बल्कि डेट ओरिएंटेड फ़ंड की बात कर रहे हैं हम अनलिस्टेड शेयर्स की नहीं दूसरी अनलिस्टेड सिक्योरिटी जो कि शेयर्स नहीं है उनकी बात कर रहे हैं ये बचे कुछ सारे कैपिटल एसेट जिनका जिक्र ऊपर नहीं हुआ है और सभी तरह की एसेट के लिए शॉर्ट टर्म के लाने के लिए रूल है कि उसको हमारे एसएससी ने अपने पास थर्टी सिक्स मंथ्स रखा हो अगर थर्टी सिक्स मंथ से कम रखा हो तो भी वो शॉर्ट टर्म है लेकिन अगर थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा रखा तो वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सो वापस से आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन में डेफिनेशन तो हमें बताई गई है सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी टू ए में शॉर्ट टर्म की बताई गई है और लॉन्ग टर्म कैपिटल डेफिनेशन हमें बताई गई है सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए में बताई गई है सो so, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सेक्शन टू फोर्टी टू बी के हिसाब से देखिए कैपिटल गेन कितने तरीके अगर कैपिटल एसेट दो तरीके हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तो कैपिटल गेन्स भी दो तरीके हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो सेक्शन टू फोर्टी टू ए में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में जिक्र है लेकिन सेक्शन टू फोर्टी टू बी में बताया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है वो गेन दैट दैट इज राइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचकर प्राप्त होने वाला गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 242 बी और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर करके प्राप्त होने वाला गेन द गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 229 बी सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन in my next video i will tell you how to compute these capital gain so do watch out my next video that is very very important stay connected that will be the third video on the topic of the capital gain stay connected for more videos bye bye